हेलो फ्रेंड्स, संगीताज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे कच्चे केले की हम चिप्स बनाएंगे। तो कच्चे केले की चिप्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है, ये चार केले लिए है, कच्चे वाला केला है। तो ये चिप्स बनाना है तो कच्चा वाला केला ही यूज़ करें, पका हुआ केला यूज़ नहीं करना है, नहीं तो हमारी चिप्स बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो सबसे पहले हम एक केले को हम कट करेंगे, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कट करेंगे। उसके बाद हम उसके ऊपर से ये जो छिलके है वो निकाल देना है। एक कच्चे केले का छिलका है, थोड़ा सा हार्ड जैसा होता है, तो दोनों साइड हम कट करके हम उसके ऊपर छिलके निकाल देते हैं। उसके बाद हम दो टाइप की हम चिप्स बनाएंगे, एक हम लंबी वाली बनाएंगे और एक राउंड वाली हम चिप्स बनाएंगे। तो लीजिए, मैंने एक केले के ऊपर मैंने छिलके मैंने निकाल दिया है। अब हम केले के ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा नमक लगाएंगे। नमक इसलिए लगाएंगे कि केला है वो ब्लैक ना हो जाए। और उसके बाद हम एक केले को छीनेंगे। तो यहाँ पे मैंने केले को छीनने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है चिप्स का कटर लिया है, उसके ऊपर हम केले को छीन लेते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने ये केले को मैंने छीन लिया है। ये केले की स्लाइस है, वो ज्यादा जाड़ी भी नहीं है और ज्यादा पतली भी नहीं है, मीडियम पर हमने छीना है। तो इस तरह से हम केले को छीन लेते हैं। तो दूसरी साइड मैंने तेल भी गरम करने के लिए मैंने रख दिया है, तेल गरम हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने दो केले को मैंने छीन लिया है। दो केले की हम राउंड वाली चिप्स बनाएंगे, दो केले की हम लंबी वाली चिप्स बनाएंगे, वो हम दो केले को हम बाद में छीनेंगे। तो यहाँ पे मैं केले के ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल में नमक कर देती हूँ, तो ये केले की चिप्स है वो थोड़ी सी सॉल्टी भी हो जाएगी और खाने में अच्छी लगेगी। तो इस तरह से थोड़ा सा नमक उसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया था, तो तेल भी हमारा गरम हो गया है। तो तेल को पहले चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा उसमें केले का टुकड़ा डाल दीजिए तो पता चल ही जाएगा कि तेल गरम हो गया है या नहीं। तो देखिए, हमारा ये तेल गरम हो गया है। तो अब हम ये चिप्स को फ्राई कर लेते हैं। तो गैस की फ्लेम अभी मीडियम पर है, मीडियम पर मैं ये चिप्स को डाल रही हूँ। देखिए, मैंने एक चिप्स को मैंने डाल दिया है, आधा मिनट जैसा टाइम हुआ है डालने में। तो अभी मैं आधी मिनट तक मैं मीडियम फ्लेम पर मैं ये चिप्स को फ्राई कर रही हूँ। अभी मैं गैस की फ्लेम एकदम लो कर देती हूँ। लो फ्लेम पर मैं ये चिप्स को मैं 2 मिनट के लिए फ्राई करने के लिए मैं रख देती हूँ। तो ये बिना हिलाए उसको छोड़ दीजिए, लो फ्लेम पर उसको रख दीजिए। अभी मैं गैस की फ्लेम में हाई कर दूंगी। हाई फ्लेम पर मैं ये चिप्स को 1 मिनट के लिए मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो ये चिप्स का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो 1 मिनट के लिए मैं ये चिप्स को मैं इस तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो टोटल ये चिप्स को फ्राई करने में 4 मिनट लगा है। 4 मिनट में ये चिप्स हमारी क्रिस्पी एंड क्रंची हमारी हो गई है। तो अभी हम ये चिप्स को हम निकाल देते हैं। तो बस इस तरह से ये चिप्स को फ्राई करना है, तो आपकी चिप्स भी एकदम कुरकुरी एंड क्रंची बनेगी। तो हमने ये चिप्स को निकाल दिया है। देखिए, ये चिप्स गरम है तो भी एकदम क्रिस्पी एंड कुरकुरी हो गई है। तो बस इस तरह से फ्राई कर लीजिए। तो हम दूसरी चिप्स को भी हम इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो ये चिप्स को तलने में बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। कई बार हम एकदम हाई फ्लेम पर हम ये चिप्स को डाल देते हैं, उसके बाद हम 1-2 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेते हैं और चिप्स को निकाल देते हैं। तो इस तरह से फ्राई करेंगे तो आपकी चिप्स कभी कड़क नहीं होगी और फ्राई करने के बाद ये चिप्स है और नरम हो जाएगी।
तो यहाँ पे मैंने ये राउंड वाली चिप्स को तो मैंने फ्राई कर लिया है, अब हम बनाएंगे लंबी वाली चिप्स बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये दो बनाना को मैंने काट के मैंने रेडी कर दिया है। तो ये दो बनाना को हम लंबे स्लाइस में हम छीन लेते हैं। देखिए इस तरह से लंबे स्लाइस में छीन लेना है। तो मैंने दो बनाना को मैंने छीन लिया है, अब हम स्लाइस को हम फ्राई कर लेते हैं। जिस तरह से हमने पहले चिप्स को फ्राई किया है उस प्रोसेस से हम ये चिप्स को फ्राई कर लेना है। तो बस इस तरह से क्रिस्पी एंड क्रंची जो चिप्स बनाना है तो आप इस तरह से फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। एकदम हाई फ्लेम पर ये चिप्स को कभी भी फ्राई नहीं करना है। एकदम हाई फ्लेम पर हम ये चिप्स को फ्राई करेंगे तो ये चिप्स है वो जल जाएगी और अंदर से ये नरम होगी और तलने के बाद ये चिप्स एकदम नरम हो जाएगी, बिल्कुल आपकी चिप्स अच्छी नहीं बनेंगी। तो आप देख ही सकते हैं कितनी क्रंची कुरकुरी हमारी ये बनाना की चिप्स बनी है। अभी तो ये चिप्स गर्म है तो भी ये उतनी कुरकुरी क्रंची बनी है, ठंडी होने के बाद ये एकदम परफेक्ट हमारी चिप्स तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों टाइप की चिप्स मैंने तल लिया है। देखिए हमारी दोनों चिप्स एकदम क्रिस्पी एंड कुरकुरी बनी है। आपको जो ये क्रिस्पी एंड क्रंची चिप्स बनाना है तो आप इस तरह से जरूर ट्राई करिए, तो आपकी चिप्स भी ये जरूर अच्छी बनेगी। तो आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ये रेसिपी को आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ आप जरूर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।